चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि बालिका का लिंग बदलो के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की मदद से स्त्री और पुरुष में अंतर होता है और लिंग वह है जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं। और वहीं पर अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो किसी तरह के शब्द के रूप से यह पता लगा लिया जाए कि यह शब्द पुरुष जाति का है तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और वहीं पर अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध मालूम चलता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अगर बालिका की पुल्लिंग शब्द की बात की जाए तो वह बालक होगा। यानी दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुने कि बालिका का पुल्लिंग शब्द बालक होता है और यहां पर बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और वहीं पर बालक एक पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि बालिका का अर्थ होता है छोटी लड़की या युवती। विशिष्ट आयु समूह की लड़कियों को बालिका कहा जाता है जो कि उम्र में छोटी होती है, और वहीं पर बालक छोटी उम्र के लड़के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अगर बालिका की पुल्लिंग शब्द की बात की जाए तो वह बालक होगा। यानी दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि बालिका का पुल्लिंग शब्द बालक होता है और यहां पर बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और वहीं पर बालक एक पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको बालिका का पुल्लिंग शब्द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।